डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। बी ए बी एस सी बी कॉम के स्टूडेंट पेपर एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरणीय अध्ययन की यूनिट सेकंड के पार्ट बी के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। इससे पहले हम पार्ट ए पढ़ चुके हैं सेकंड यूनिट का, और आज हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट बी। एक्चुअली थोड़ी बड़ी हो गई थी वीडियो, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, इसलिए यहाँ पर दो पार्ट करने पड़े थे। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट का सिलेबस हमारा जो था वो यहाँ पर देखिए जी, फॉरेस्ट रिसोर्स इसमें हमने स्टडी करना जो हम ए पार्ट में कर चुके हैं, वाटर रिसोर्सेज ये भी हम ए पार्ट में कर चुके हैं। अब हमारा जो मौजूदा पार्ट है ये बी पार्ट है, इसका जो सिलेबस वो मिनरल रिसोर्सेज से यहाँ पर स्टार्ट होगा, और फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज से होता हुआ ये सिलेबस का यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हेडिंग यहाँ पर खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 65, सोना तथा चांदी है यानी गोल्ड एंड सिल्वर आर, ऑप्शन आर गिवन हियर, सर्वसुलभ संसाधन है, ये सही नहीं होगा। उसके बाद सामान्य सुलभ संसाधन कॉमनली एक्सेबल रिसोर्सेज, ये भी सही नहीं है। और यहाँ पर एक है इसमें एकल संसाधन सिंगल रिसोर्सेज, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब ये हो कि ऑप्शन सी यहाँ पर जो है विरल संसाधन, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और डियर स्टूडेंट, आप भी जब भी आप ये सीरीज पढ़ा करें तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाया करें, और हमारे आंसर बताने से पहले आप कोशिश किया करें कि सही उत्तर क्या होगा, लास्ट में आप उसको मैच करके अपना स्कोर जान सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 65 था, इससे पहले 64 क्वेश्चन आप सेकंड यूनिट के पार्ट ए में पढ़ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, सागर जल में निम्न लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी जो हमारा मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, पानी वाटर होता है सागर, इसमें जो वाटर होता है उसमें लवण होता है, साल्ट होता है, तो कौन सा होता है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिवन है पोटेशियम, ये नहीं होता, कैल्शियम ये भी ज़्यादा नहीं होता, या सोडियम, हाँ सोडियम होता है, और ये सभी नहीं होते। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ, आप सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है, मैच कीजिए। तो सही आंसर होगा यहाँ पर सोडियम। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, जस्ता, जस्ता तो पाया जाता है राजस्थान में, उसके बाद सीसा, लेड भी, और लौह अयस्क ये भी, और पारा, लेकिन पारा वहाँ पर नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, पारा या मरकरी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य है यानी द मोस्ट मिनरल रिच स्टेट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन आर हियर, बिहार या झारखंड या छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। देखिए जो झारखंड है वहाँ पर बहुत खनिज संपदा मौजूद है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 69, आणविक ईंधन है यानी एटोमिक फ्यूल इज, यहाँ पर गिवन है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, थोरियम, ये सब क्या होते हैं, ये एटॉमिक यहाँ पर फ्यूल होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी बोथ। क्वेश्चन नंबर 70, केरल के समुद्रीय तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, विच एटॉमिक मिनरल इज फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं थोरियम, मोनोजाइड या बेरिलियम या यूरेनियम, तो यहाँ पर केरल तट पर जो पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए थोरियम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, नाभिकीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है यानी व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन आर गिवन हियर, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, थोरियम या प्राकृतिक गैस। तो जो नाभिक ऊर्जा है वहाँ पर थोरियम का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, अधिकतम लौह उत्पादक देश है, द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री इज,
ऑप्शन आर हियर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए या रूस, रशिया या ब्राज़ील या चीन, चाइना। तो जो लो अयस्क है सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 73, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है, यानी लिमोनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। आप जानते हैं कि धातुएं क्या होती हैं और या अयस्क क्या होता है, आप जानते हैं। जो यहाँ पर देख लीजिए, अयस्क होता क्या है, जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ से कुछ मेटल के मिले हुए, कुछ मेटल मिले हुए मटेरियल निकालते हैं नीचे से, लेकिन वो प्योर नहीं होता, तो उसको हम यहाँ पर प्योरीफाई करते हैं, उसको साफ करके उसमें से फिर हम मेटल निकालते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है अयस्क की। एक अयस्क वो होता है जिससे हम मेटल प्रॉफिटेबल कंडीशन में निकाल सकते हैं, यानी उस मेटल से फ़ायदा होगा, और एक ऐसी होगी कि मेटल कम निकलेगी लेकिन उस पर एक्सपेंसिव या खर्च ज़्यादा आता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए अयस्क वो होगा जिससे हमें फ़ायदा हो ना। सो इसलिए यहाँ पर ये बताना है कि अयस्क किस धातु का, यहाँ पर लिमोनाइट, यानी हर धातु के अलग होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइट या इस तरह से होते हैं, तो यहाँ पर जो लिमोनाइट है वो लोहे का, आयरन का होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, बुलफ्रॉम अयस्क संबंधित है, बुलफ्रॉम और इज रिलेटेड टू। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं टंगस्टन या टिन या तांबा कॉपर या सीसा। तो जो बुलफ्रॉम है वो टंगस्टन धातु का अयस्क होता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी भारी धातु अधिक यातायात वाली सड़कों पर पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल इज फाउंड ऑन हैवी ट्रैफिक रोड। ऑप्शन आर हियर, कैडमियम या लेड या क्रोमियम या जिंक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेड। क्वेश्चन नंबर 76, बाल को संबंधित है, यानी बाल को रिलेटेड टू, देखते किससे संबंधित है यहाँ। ऑप्शन आर गिवन हियर, एल्यूमिनियम से या सोना से, गोल्ड से या पीतल ब्रास से या पारा मरकरी से। तो बाल को जो है यहाँ पर, ये एल्यूमिनियम कंपनी है तो ये इसका संबंध है एल्यूमिनियम से, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में मुख्य रूप से सोना किस राज्य में पाया जाता है, इन विच स्टेट गोल्ड इज मेनली फाउंड इन इंडिया। ऑप्शन आर हियर, बिहार या पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटका। तो जो भारत का जो कर्नाटक राज्य है, देख कर्नाटक आप जानते हैं कहाँ है, जैसे मान लें फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो ये साउथ इंडिया, यहाँ पर नीचे साउथ इंडिया है, तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु, और केरल इसके पड़ोसी हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, दक्षिण अफ्रीका में विट वाटर्स लैंड प्रसिद्ध है, यानी इन साउथ अफ्रीका विट वाटर्स लैंड इज फेमस फॉर। ऑप्शन आर हियर, स्वर्ण के लिए यानी गोल्ड के लिए, चांदी के लिए यानी सिल्वर के लिए, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम के लिए, तांबे के लिए, कॉपर के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा स्वर्ण के लिए यानी गोल्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, संसार का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश है, यानी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इज, यानी किस देश में सबसे ज़्यादा सोना होता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका या यूक्रेन या कनाडा या चीन, चाइना। तो हम जानते हैं कि संसार का जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादक देश है, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वो साउथ अफ्रीका, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। देखिए जो खनिज होते हैं वो धात्विक होते हैं और अधात्विक होते हैं, यानी मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। तो यहाँ पर देख लीजिए, लो एस्क है तो ये तो धात्विक होता है, तांबा ये भी धात्विक होता है, अभ्रक ये नहीं होता, और मैग्नीज ये होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का स्थान है, यानी इंडियाज प्लेस इन द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ माइका इज। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ, चतुर्थ या प्रथम या द्वितीय या पंचम। तो यहाँ पर अभ्रक के उत्पादन में और भंडारण में इंडिया का जो फर्स्ट प्लेस है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, विद्युत का कुचालक है, यानी द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर से मतलब जिसमें करंट नहीं आता। ऑप्शन आर गिवन, अभ्रक या लोहा, आयरन या जल, वाटर या ये सभी। देखिए लोहे में भी करंट आ जाता है
और जल में पानी में भी करंट आता है, लेकिन अभ्रक यहाँ पर कुछ अलग रहेगा, इसलिए सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए अभ्रक या माइका। क्वेश्चन नंबर 83, सर्वाधिक अभ्रक खनन किस देश में होता है? खनन किस देश में होता है? सबसे ज्यादा इन विच कंट्री इज द मैक्सिमम माइका माइनिंग डन? तो यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिका में या ब्राजील में या चाइना में, इनमें से कोई नहीं, तो चाइना में सबसे ज्यादा खनन का काम होता है। नेक्स्ट हेडिंग खाद्य संसाधन फूड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड? ऑप्शन आर हियर जापान, नॉर्वे, नॉर्वे है यहाँ पर, ब्रिटेन या रूस, रसिया। तो जापान में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का काम होता है वहाँ पर, इसलिए ऑप्शन ए जापान इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज, बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पर हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 85, धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, यानी द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज? ऑप्शन आर हियर कोयला, कोल, ज्वार भाटा, टाइड, पेट्रोल या सूर्य की किरणें, सनरेज। तो देखिए जो सौर ऊर्जा का वह है वो सन ही है, इसलिए उसकी जो किरणें होंगी वो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 86, प्रकाश वर्ष की निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यानी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या दूरी डिस्टेंस, या समय टाइम, या ग्रहों की चाल द मोशन ऑफ द प्लैनेट। देखिए जो प्रकाश वर्ष है या लाइट ईयर है वो डिस्टेंस को मापने काम आती है, ठीक है, यानी प्रकाश लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, यानी वन लाइट ईयर अगर हम लें, ये फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें पढ़ा जाता है वन लाइट ईयर, वन लाइट ईयर यानी जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक साल में, वन ईयर में कितनी डिस्टेंस तय करता है, तो वो उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन बी दूरी या डिस्टेंस ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा संसाधनों को कहा जाता है, यानी एनर्जी रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड? ऑप्शन आर हियर बायोमास, या जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स, या भूतापीय ऊर्जा जियो थर्मल एनर्जी, या हाइड्रो थर्मल ऊर्जा हाइड्रो थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 88, भारत किस देश को सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है, यानी टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम कोल? ऑप्शन आर हियर बांग्लादेश, या जापान, या रसिया, रूस, या ब्रिटेन, यूके। तो बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा भेजा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश एक हमारा पड़ोसी भी है, पास में भी है भारत के पूर्व में, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बांग्लादेश इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी सिंगरौली इज फेमस फॉर? ऑप्शन आर हियर राम मंदिर, या कोयला, या ईमानदारी, या इनमें से कोई नहीं, तो जो यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये, तो ऑप्शन आर हियर कोयला, कोल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोल, या अणु खनिज मोलिक्यूलर मिनरल। तो यहाँ पर कोयला मेन यूज होता है, तो ऑप्शन ए कोल इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनापूर्ति, ये अनापूर्ति यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये है अनवीकरण संसाधन है, यानी नॉन रिन्यूएबल, ये सप्लाई नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी जिसको रिन्यू नहीं कर सकते। ऑप्शन आर हियर जल, वायु, मिट्टी, पेट्रोल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का सबसे पुराना तेल शोध संयंत्र स्थित है, यानी द ओल्डेस्ट ऑयल रिसर्च प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट? ऑप्शन आर डिगबोई असम में, या हल्दिया कोलकाता के निकट, या कोयाली बड़ौदा के निकट, या नू माटी असम में। तो जो डिगबोई असम है वहाँ पर वो सबसे पुराना है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, बड़ोदरा प्रसिद्ध है, बड़ोदरा इज फेमस फॉर? ऑप्शन आर हियर एल्यूमिनियम के लिए, या हैवी इलेक्ट्रिकल के लिए, या पेट्रोकेमिकल के लिए, या सूती वस्त्र के लिए, कॉटन क्लॉथ के लिए। तो जो बड़ोदरा है वो पेट्रोकेमिकल्स के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेट्रोकेमिकल। क्वेश्चन नंबर 94,
भारत में सबसे बड़ा और प्राचीनतम कोयला क्षेत्र है, यानी द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज, ऑप्शन आ जाए झरिया, रानीगंज या बोकारो या गिरडी। तो यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र है सबसे पुराना वो झरिया में है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए झरिया। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण है, मैक्सिमम पेट्रोलियम रिजर्व आर, ऑप्शन यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, बी रूस, रशिया, चीन, चाइना या पश्चिम एशिया, वेस्टर्न एशिया। देखिए जो वेस्टर्न एशिया है पेट्रोल के लिहाज से, इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये जो एरिया है मध्य एशिया का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पश्चिम एशिया, वेस्टर्न एशिया। क्वेश्चन नंबर 96, पेट्रोलियम मिश्रण यानी पेट्रोलियम मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ, यानी किसी का मिक्सचर है, देखिए इसमें गंधक तथा नाइट्रोजन का यानी सल्फर एंड नाइट्रोजन का, बी यहाँ पर है हाइड्रो तथा कार्बन का, और सी यहाँ पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का या खनिज। तो देखिए जो पेट्रोलियम होता है उसमें हाइड्रोजन के और कार्बन के जो है एलिमेंट्स से मिलकर ये बना होता है ज़्यादातर, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कोयला जो भारत में पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ स्टेट में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, कोयले का कौन सा एक प्रकार है, विच वन इज अ टाइप ऑफ कोल। देखिए कोयला कई प्रकार का होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कार्नोलाइट, लिग्नाइट, पिच ब्लेंड या यूरेनियम। तो जो लिग्नाइट है इनमें से कोयले का एक टाइप है, एक प्रकार, इसलिए ऑप्शन बी लिग्नाइट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए आपका शतकीय क्वेश्चन है, यहाँ पर ये शतक लग चुका है, आपकी सेंचुरी बनने जा रही है। श्वेत कोयला यानी व्हाट इज व्हाइट कोल, व्हाइट कोल क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं जल विद्युत, हाइड्रो पावर या कपास, कॉटन, चांदी, सिल्वर या ये सभी। तो जो देखिए इंडिया में जो हाइड्रो पावर होती है, जो बिजली बनती है पानी से, तो ये जल विद्युत होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलीय पादप है, पेट्रोलीय पादप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट्रोलियम प्लांट, ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं सीहंद या हीविया ब्राजीलियंसिस या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हीविया ब्राजीलियंसिस है ये यहाँ पर पेट्रोलिय पादप के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म ना हो, यानी हमेशा चलते रहेंगे, तो इस तरह के कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑप्शन ए में देखें सौर ऊर्जा, ये हमेशा चलने वाला है, जल ये भी हमेशा चलेगा, गुरुत्वाकर्षण ये भी हमेशा चलेगा, उसके बाद सौर ऊर्जा, पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल तो ख़त्म होने वाला है, नॉन रिन्यूएबल है ये, उसके बाद जल, गति, जीवाश्म, ये भी इनमें सभी जो है जीवाश्म ख़त्म हो जाता है, तेल इसमें ख़त्म होने वाला है, इसलिए जो ऑप्शन ए में जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर वो सभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन 103, 103, किस देश में विश्व के कोयले संसाधन का लगभग 50% समाहित है, यानी विच कंट्री कंटेन अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल रिसोर्सेज। तो इसमें से कौन सा, यूएसए, चाइना, कनाडा या पूर्व यूएसएसआर। तो देखिए जो अभी जो रशिया है वो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, बड़ा तो अब भी है, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से, लेकिन इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो जो पूर्व था उसके हिसाब में उसमें जो कोयला था वो सबसे ज़्यादा पाया जाता था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, 104, भारत में नाभिकीय ऊर्जा विकास का पिता कौन था, नाभिकीय ऊर्जा विकास, तो यहाँ पर देखिए होमी भाभा या विक्रम साराभाई या राजा रमन्ना या अनिल काकोदकर। तो जो होमी भाभा थे, जहांगीर भाभा, होमी भाभा, तो ये यहाँ पर इन्होंने नाभिकीय ऊर्जा का विकास किया था और उसके पिता कहलाते हैं फादर, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 105, कोरबा थर्मल पावर प्लांट स्थित, यानी कोरबा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड एट, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 106, तारापुर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी तारापुर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन आर हियर थर्मल ऊर्जा संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट या समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, परमाणु ऊर्जा संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट या चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री। तो जो तारापुर है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये परमाणु ऊर्जा यानी
न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, 107, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या भूतापीय यानी जो थर्मल। देखिए कोयला पेट्रोल ये तो पहले से चलता आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भूतापीय है वो एक नॉन कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत, परंपरागत जो पहले से चलाता है लेकिन भूतापीय ऐसा नहीं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, 108, जेट्रोफा का तेल निम्नलिखित में किसके लिए उपयोगी है, यानी जेट्रोफा ऑयल इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए, सिर में लगाने के लिए, अप्लाई इन द हेड या साबुन बनाने, मेकिंग सोप या विद्युत पैदा करने, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जेट्रोफो का जो तेल है वो बिजली पैदा करने में पैदा यूज होता है, इसलिए आपसे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, 109, सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा पैदा होती है, प्रोड्यूस्ड बाई ए सोलर पावर प्लांट, क्या इससे होता है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या स्थित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी या चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। तो इससे विद्युत ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, 110, उत्तराखंड में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की विपुल संभावनाएं हैं, यानी विच अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट हैज इमेंस पोटेंशियल इन उत्तराखंड। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ज्वारी ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, भूतापी ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी या सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी या आणविक एनर्जी, मोलिकुलर एनर्जी। तो जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, उसकी यहाँ पर संभावना ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 111, 111, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए निम्न पदार्थ को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन आर हियर थोरियम या ग्रेफाइट या रेडियम या सामान्य जल। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पर मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट को यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, 112, निम्नलिखित में से कौन सा सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हरित पौधे, ग्रीन प्लांट्स या कवक, फंगस या लाइकेन या प्रोटोजोआ। तो जो हरे पौधे होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो यहाँ पर ये काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए ग्रीन प्लांट्स इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, 113, भारतीय बायोगैस प्लांट को बायोगैस बनाने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, इंडियन बायोगैस प्लांट यूनिट टू मेक बायोगैस। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कोयला चाहिए या गोबर डंग चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए या केरोसिन चाहिए। तो ये इस तरह के प्लांट के लिए जो पशुओं का जो गोबर होता है उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, 114, भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना बांध है, यानी द हाईएस्ट डैम बिल्ड इन इंडिया इज, सबसे ऊंचाई पर कौन सा बांध बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है भाखड़ा बांध या टिहरी बांध या कोसी या इनमें से कोई नहीं। तो जो टिहरी है जो उत्तराखंड में है, तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर, इसलिए यहाँ पर टिहरी बांध इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, 115, जल विद्युत का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पानी से बिजली पैदा की जाती है, विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन आर हियर कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स या ब्राज़ील या चीन चाइना। तो चाइना में सबसे ज़्यादा ये काम होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 116, 116, कौन सा संसाधन जैविक संसाधन है, यानी विच रिसोर्सेज इज अ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ऑप्शन आर हियर भूमि यानी लैंड, कृषि फसलें, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या खनिज मिनरल्स या धरातल का स्वरूप, द नेचर ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पर जो जैविक संसाधन है वो यहाँ पर भूमि यानी लैंड होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117, 117 है, यह न्यूनतम पोर या झरा वाली मृदा है, यानी इट इज़ अ सोइल विद मिनिमम पोरोसिटी और पोरस। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं गार या सिल्ट, चिकनी, स्मूथ या बलुई, सैंडी या ये सभी। तो जो चिकनी मिट्टी होती है वो बहुत स्मूथ होती है, उसमें पोरस जो होता है वो कम होता है, यानी पोरस क्या होते हैं, मान लें कोई पार्ट है ये चीज़, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं किसी चीज़ में, तो ये पोरसिटी होती है यहाँ पर। तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें कम होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 118, 118, पीडोलॉजी क्या है, व्हाट इज पीडोलॉजी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पत्तियों का अध्ययन स्टडी ऑफ लीव्स, या तने का अध्ययन स्टडी ऑफ स्टेम, या सी जलवायु का अध्ययन स्टडी ऑफ क्लाइमेट, या मिट्टी का अध्ययन स्टडी ऑफ सोइल। क्योंकि देखिए सोइल से रिलेटेड यहाँ पर हेडिंग भी है, तो इसलिए जो मिट्टी का अध्ययन है यानी स्टडी ऑफ सोइल
यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, 119, रेंगती हुई मिट्टी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द क्रीपिंग डेथ कॉल्ड? तो ऑप्शन यहाँ पर दे भूमि अपरदन को, लैंड एरोजन को, या रेगी समस्या को, या मरुस्थलीकरण को, या डेजर्टिफिकेशन को, या इनमें से कोई नहीं, नोन ऑफ दी। तो जो भूमि अपरदन होता है, लैंड इरोजन होता है, उसको यहाँ पर रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। यहाँ पर जो ज़मीन होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है वो यहाँ पर ख़राब हो जाती है, बह जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, मृदा अक्षरण कहलाता है, यानी सॉइल इरोजन इज कॉल्ड मृदा अपघटन, या मृदा अपरदन, या मृदा अवक्षय, या मृदा पृथक्करण। तो ये मृदा अपघटन होता है, इसलिए यहाँ पर सॉइल डिकम्पोजिशन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, 121, मृदा अवक्षय एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न परिवर्तन होता है, यानी सॉइल डिप्लेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस। कौन से चेंज होते हैं यहाँ पर? भौतिक चेंज होता है, फिजिकल या रासायनिक, केमिकल या जैविक, जो है ऑर्गेनिक, या ये सभी ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पर भौतिक चेंज होता है, इसलिए ऑप्शन ए भौतिक फिजिकल इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 122, 122, मृदा अपरदन को क्या प्रभावित करते हैं, यानी व्हाट इफेक्ट सॉइल इरोजन? ऑप्शन ए अधिक वर्षा वो वनोन्मूलन, यानी मोर रेनफॉल एंड डिफोरेस्टेशन, या तीव्र ढाल प्रवणता, या मृदा की अधिक अपरदनशीलता, या ये सभी अलग दी। तो यहाँ पर ये सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 123, 123, जैविक खेती है यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मृदा जैविक गतिविधि को बढ़ावा देना, या कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किए बिना खेती, या जैव विविधता बढ़ाना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए जैविक खेती में हम जितने भी ये यहाँ पर केमिकल होते हैं उनको यूज नहीं करते, बल्कि उनके बिना ही खेती करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 124, 124, यह वन से होने वाला लाभ नहीं है, यानी दिस इज नॉट अ प्रॉफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मृदा कटाव, सोयल इरोजन, या मृदा समृद्धिकरण, या मृदा संरक्षण, या सभी। तो देखिए मृदा कटाव कोई लाभ नहीं है, यहाँ मिट्टी का नुकसान होता है, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 125, 125, वायु अपरदन का कौन सा एक प्रकार नहीं है, यानी विच इज नॉट टाइप ऑफ विंड एरोजन। तो यहाँ पर देख लीजिए, और नलिका अपरदन, या निलंबन, या पृष्ठीय सर्पण, या भूस्खलन। तो यहाँ पर देखिए जो पृष्ठीय सर्पण होता है, यानी उसको वो यहाँ पर वायु अपरदन का कोई प्रकार नहीं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, 126, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, यानी जो मरुस्थल में डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? मांसल होते हैं, फ्लैशी या शाकीय, हर्बेसिस या पर्णवृंतीय, पेटियोल्स या पर्णाभिवृंतीय, पेटियोल लेटरल। तो यहाँ पर जो मांसल होते हैं ये सही होते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मांसल या फ्लैशी। क्वेश्चन नंबर 127, 127, सूखे वन यहाँ पाए जाते हैं, यानी ड्राई फॉरेस्ट यहाँ आर फाउंड हियर, यानी सूखे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सूखा पड़ता है, कम बारिश होती है, वहाँ पर ही पाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो राजस्थान है ये सही उत्तर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 128, यह वन विनाश का कारण है, यानी दिस इज द कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या कृषि नहीं, संरक्षण ये भी नहीं, मृदा कटाव जैसे भी। तो मृदा कटाव ही यहाँ पर वन विनाश का कारण है, जब मिट्टी बहेगी तो पेड़ भी वहाँ पर सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 129, 129, निम्न में से कौन भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर लैंड कंजर्वेशन। तो मिट्टी की हिफाजत करनी है, सुरक्षा करनी है, तो कौन सा सही रहेगा? अपरदन सही रहेगा, अपरदन तो नुकसान करता है, वनों की कटाई इससे भी नुकसान होगा, या पौधारोपण, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधारोपण से पेड़, नए पेड़ लगाने से हम प्लांटेशन से ही लैंड की हिफाजत कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग, वन आंदोलन फॉरेस्ट मूवमेंट्स। देखिए इंडिया में जंगलों को, पेड़ पौधों को, वनों को बचाने के लिए कई आंदोलन चलाए गए हैं, पेड़ों के लिए लोगों ने अपनी जाने तक भी गंवाई हैं, इसलिए इस हेडिंग को देखते हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, 130, वृक्ष संरक्षण हेतु आंदोलन, यानी डोमेन मोमेंट फॉर ट्री कंजर्वेशन कौन कौन से हैं? देखिए चिपको, चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तराखंड में हुआ था, अप्पी को आंदोलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कर्नाटक में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, 131, वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, यानी कौन जिम्मेदार है वनों के विनाश के लिए, बर्बादी के लिए? द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कौन है? अति दोहन, या मृदापर्दन, या ओजोन अक्षरण, या तापमान वृद्धि। तो अति दोहन यानी हम क्या करते हैं आजकल,
बहुत ही ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, इसलिए ये भी यहाँ पर पेड़ों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 132, चिपको आंदोलन का नेतृत्व क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, द चिपको मूवमेंट वाज लेड बाय, यहाँ पर ऑप्शन है हेमवंती नंदन बहुगुणा ने, या विजय बहुगुणा ने, या सुंदरलाल बहुगुणा ने, या हरीश रावत ने। तो यहाँ पर जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उत्तराखंड में, तो इनका इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा था, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 133, 133, पांडुरंग हेगड़े ने किस आंदोलन का नेतृत्व और कहाँ पर किया था, यानी वेयर डिड पांडुरंग है लेड विच मोमेंट। ऑप्शन दिए गए अप्पू उत्तराखंड में, या अप्पी को उत्तराखंड में, या अप्पी को महाराष्ट्र में, अप्पी को आंध्र प्रदेश में, अप्पी को कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक में हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी अप्पी को कर्नाटक इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, चिपको आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था, यानी इन विच ईयर चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो ये इसकी अगर बात करें तो ये 1972 में यहाँ पर शुरू हुआ था, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर हुआ था, इसको किया गया था। इसका जो मेन धारणा थी चिपको आंदोलनकारी जो थे वो क्या चाहते थे, वो उनका कहना था कि वन जो है वो पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होता है, और अगर हमें इस पर्यावरण को बचाना है तो हमें जो पेड़ पौधे हैं उनको भी बचाना होगा, उनका संरक्षण और विकास करना आवश्यक होगा। और उन्होंने ये भी बात रखी थी कि वनों में उन्होंने 5F की एक धारणा की थी, 5F यानी ये 5F दिया था। 5F से क्या मतलब था उन्होंने, कि एक तो था कि फ्यूल वुड, यानी पहले ऐसे मतलब था फ्यूल वुड, दूसरे से फोडर यानी चारा, और फिर एक ऐसे यहाँ पर मतलब होता था फल फ्रूट जो होते थे, और फिर रेशा फाइबर, और फर्टिलाइजर यानी खाद। उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, ये सभी पांचों चीज़ें हमें आराम से मिलती रहेंगी, और हमें पेड़ों से ऑक्सीजन भी मिलती है। तो यहाँ पर ये सब काम होता है, इसलिए कहा गया था, इसलिए यहाँ पर 1972 में होता शुरू, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अथवा चिपको आंदोलन किस से संबंधित है, यानी व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको आंदोलन। अभी हमने बताया कि चिपको आंदोलन यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए था। यहाँ पर देख लीजिए, ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करना नहीं, फलों का संग्रहण, या वनों का संरक्षण, या चारे का इकट्ठी, तो मेन था वनों का संरक्षण, इनकी हिफाजत करना, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, कुछ अन्य अदर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए भी, और अदर एग्ज़ाम के लिए भी, और जनरल नॉलेज एंड जीके के लिहाज से भी बहुत से कम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लेते हैं 136 क्वेश्चन नंबर, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, यानी व्हाट टाइप ऑफ वाटर डू प्लांट एब्जॉर्ब। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं गुरुत्वीय जल, या केशिका जल, या आर्द्रता जल, या क्रिस्टलीय जल। तो यहाँ पर जो केशिका जल होता है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, हिमालय की नवीनतम और निम्नतम पर्वत श्रेणी है, तो द लेटेस्ट एंड लोवेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय इज। तो ये शिवालिक श्रेणी मेन है, मतलब नई है, और सबसे लोवेस्ट है। देखिए हिमालय की तीन सीरीज होती हैं, इस तरह की तीन सीरीज होती है, जो सबसे नीचे की सीरीज है ये हमारी जो देहरादून में पड़ती है यहाँ पर, तो ये देहरादून और सहारनपुर के बीच से होकर गुजरती है, तो ये यहाँ पर हिमालय की नवीनतम सीरीज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 138, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कोल्ड। ऑप्शन दिए गए मुंबई, बंगलुरु, अहमदाबाद, या जयपुर। तो जो गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद है वो मैनचेस्टर कहलाता है, भारत का मैनचेस्टर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ हेडिंग नंबर, क्वेश्चन नंबर 139, भारत का सर्वाधिक सिल्क उत्पन्न करने वाला राज्य है, यानी द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। सिल्क कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन आर्यर उत्तर प्रदेश, या बिहार, या कर्नाटक, या हिमाचल प्रदेश। तो कर्नाटक में होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, देर आर टू वोल्कैनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी। देखिए ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर इस तरह का हो सकता है, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नर्क कुंडम एम बैरन। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न प्रक्रिया के कारण पौधे हवा के शोधक के रूप में जाने जाते हैं, यानी प्लांट्स आर नोन एज एयर प्यूरीफायर ड्यू टू द फॉलोइंग प्रोसेस। ऑप्शन यहाँ पर श्वसन, रेस्पिरेशन, या परसवेदन, प्रेजेंटेशन, या प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फोटोसिंथेसिस है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, घराट क्या है, व्हाट इज घराट। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नृत्य है, या पारंपरिक घर, कन्वेंशनल हाउस, या पंचक्की, या वाटर मिल, या यंत्र डिवाइस। तो यहाँ पर ये पंचक्की होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, बायोडीजल की फसल है, यानी बायोडीजल क्रॉप ही कपास है, गन्ना है, या जेट्रोफा, या पोटैटो। तो यहाँ जेट्रोफा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144,
विषैली गैसें मानव के लिए हैं यानी टॉक्सिस गैसेज आर फॉर ह्यूमैन क्या हैं, वो देख लेते हैं। अप्रयुक्त संसाधन या अप्रयोजनीय संसाधन या संभाव्य संसाधन या अज्ञात संसाधन, तो यहाँ पर ये अप्रयोजनीय यानी अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 145, सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा पैदा होती है यानी प्रोड्यूस बाय सोलर पावर प्लांट, तो मिस्टेक इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्थित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी या इनमें से कोई नहीं, तो जो सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा जो पैदा होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 146, सीढ़ीदार खेती अक्षेत्रों में की जाती है यानी किन क्षेत्रों में, टेरेस्ट फार्मिंग इज डन इन एरियाज, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए पहाड़ी, हिली, रेतीली, सैंडी, समुद्री, सी या समतल, तो ये पहाड़ी इलाकों में होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सीली हिली हिली या पहाड़ी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय प्रदेश जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है यानी इंडियन रीजन वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक या सभी, तो ये साउथ इंडिया में ज़्यादातर पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, कौन सी रेशम केवल भारत में पैदा होती है यानी विच सिल्क इज प्रोड्यूस ओनली इन इंडिया, रेशम के कपड़े बनते हैं और देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ होते हैं, इसका नेम क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, तो ये मूंगा रेशम होती है, ईरी रेशम होती है, टसर रेशम होती है, ओक रेशम होती है, लेकिन भारत में पूछा गया है तो यहाँ पर मूंगा रेशम यानी कोरल सिल्क इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, हरित क्रांति में शामिल है यानी ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्लूड्स फसल विविधता उन्नयन, क्रॉप डाइवर्सिटी अपग्रेडेशन या खाद का संतुलित उपयोग, बैलेंस यूज ऑफ मैन्योर या सिंचाई का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन या ये सभी, तो ये सभी हरित क्रांति में शामिल किए थे, सभी मकसद पूरा करने के लिए की गई थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 150, डियर स्टूडेंट ये आपके लिए है, आपको उसका आंसर करना है, भारत में हरित क्रांति के जनक यानी द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए संजय राजा राम, बी नॉर्मन बोरोलग या सी एम एस स्वामीनाथन या डी कैलाश सत्यार्थी, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है। इस तरह से आपने देखा कि एंड ऑफ यूनिट टू यानी सेकंड यूनिट का यहाँ पर एंड रहता है, सेकंड यूनिट के दो पार्ट थे, पार्ट ए बी थ्री पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, तब तक आप इसकी रिविजन कीजिए और हम तैयारी में लगते हैं थर्ड यूनिट की, क्योंकि देखिए एक यूनिट बनाने में एक वीडियो बनाने में मैं समझता हूँ जो मुझे लगता है वो 6 से 8 घंटे यानी 6 से 8 6 to 8 hours लगते हैं और आपको देखने में तो कम टाइम ही लगता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ध्यान रखा करें, क्योंकि यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होती है। वॉचिंग ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।